इनसे मिलिए। ये हैं मिसेस अंजू कुलकर्णी। दुनिया में अगर इनके लिए कोई ज़रूरी काम है तो वो है टीवी देखना। वैसे इनके गैर जरूरी काम भी यही कुछ है। ये सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन अपना फेवरेट गेम शो देखना कभी नहीं भूलती और ना ही उसमें पार्टिसिपेट करना। चलिए देखते हैं कि आज इन्होंने कौन सा तीर मारा है। ये जवाब भी सही आया ना? तनाज की लकी में ना, फिल्म का निर्देशन किसने किया है? ए यश चोपड़ा। चाची क्या है तुम्हें? अरे इस वक्त मैं अपना गेम शो देख रही हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त मैं बात ही कर सकती हूँ, कॉल मी लेटर, बाय बाय बाय। आर यू श्योर? तो हमारा पहला राउंड खत्म हो चुका है, अब शुरुआत करते हैं हम अपना अगला राउंड जिसे हम कहते हैं बजर राउंड। आप तीनों लोगों के साथ एक सवाल पेश किया जाएगा जो बजर पर हाथ रखे। हाँ हाँ, मैं अंजू बात कर रही हूँ। याद रखिए सही जवाब देने पर। यस यस, ये सर आई वॉच योर शो, आई नो आई नो। मुझे सिलेक्ट किया गया है? ओह माय गॉड सर, आई डोंट बिलीव दिस। मैं रोज आपका शो देखती हूँ सर, आई एम अ ह्यूज फैन। हाँ हाँ हाँ, लिख लीजिए मेरा एड्रेस, लिख लीजिए। हाँ, इट्स बंगलोर नंबर 16, 28 क्रॉस रोड, जुहू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। श्योर पक्का आएंगे ना सर? हाँ, और टीवी पे मैं देखूंगी ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय। चलो 16 नंबर तो यही है। मैं 16 नंबर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, टफर अंधा नहीं हूँ। हेलो मैम। हेलो, वो हम चैनल से आपसे फोन। मिस्टर डिमेलो, मैं तो आपको देखते ही पहचान गई कि आप ही मिस्टर डिमेलो हैं। हेलो मैम, एक्चुअली मैं, देखिए मैं आपके रियलिटी शो के बारे में सब कुछ जानती हूँ, आई नो ऑल द रूल्स, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर शो सर। जी मैम, मैं जानता हूँ कि आप रूल के बारे में सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से हम आपको समझाना तो पड़ेगा ना। हाँ रोशन, कैमरा लेकर आओ। यस सर। ओह तो आप मिस्टर डिमेलो हैं, तभी मैं सोचूं कि ये भाई साहब तो डिमेलो जैसे लगते ही नहीं है। करेक्ट। देखिये मैम, हमें आपके घर में पूरे 5 कैमरे फिट करने हैं, जिसका पता आपके पति को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। लगने भी नहीं दूंगी सर, डोंट वरी, आई नो द रूल्स। करेक्ट। और ये सर्टिफिकेट इस कबर्ड में रखेंगे जो आपके और कबीर की शादी का प्रूफ होगा। सर शायद आपको गलत फहमी हुई है, मेरे हस्बैंड का नाम राजेश आहूजा है, मैं किसी कबीर को नहीं जानती। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि गेम के बारे में सब कुछ पता। यस यस यस, सॉरी सर, भूल गए, आई नो। बिल्कुल, कबीर जैसे ही आपके घर में एंटर करेगा, आपको अपने पति के सामने ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे कि आपका वो पहला पति है। और ये सब कुछ पूरे 23 मिनट तक चलना चाहिए, जब तक कि हमारा एपिसोड खत्म नहीं हो जाता। और इस बीच आपके पति को ना तो गुस्सा आना चाहिए, ना ही उन्हें पता चलना चाहिए, और एक बात और, उन्हें शक भी नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता रहा तो आप जीत जाएंगी 5 लाख रुपए और 2 लोगों का US ट्रिप फ्री, राइट? एकदम राइट मैम। आई नो सर। तो फिर हमें कैमरे फिट करने हैं। सर वो आप कैमरे जहाँ भी फिट करें जरा एंगल से ऐसे फिट करिएगा कि मैं सुंदर लगूं। नहीं यानी मेरी वजह से ये एपिसोड धमाका तो होने ही वाला है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। बिल्कुल मैम, मेरा भी यही ख्याल है। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए, हमें कैमरे फिट करने हैं, उसके बाद शूटिंग शुरू करनी है। और तैयार होना बाकी है? नहीं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो बाकी होगा, मैं जल्दी जाके रेडी होके आती हूँ सर। ओके? नहीं, जल्दी की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास पूरा आधा घंटा है। ओके, आप आराम से तैयार होकर आइए। ओके सर, आई विल बी बैक सर। हाँ टीवी पे आना है तो सुंदर तो दिखना ही होगा ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम सो ओवरवेल्म्ड। ओके सर, आई विल बी बैक सर, आई विल बी बैक। ये इतनी सारी मोमबत्तियाँ क्यों जला रखी हैं तुमने यहाँ पे? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी बर्थडे तो कुछ 3 महीने के बाद है और तुम्हारी मेरे कितने 29 दिन के बाद होती है, तो इतनी सारी मोमबत्तियाँ क्यों? सर बिजली कट गई है, बिल नहीं भरा इसलिए। ये रहा बिल सर, कुछ 2100 रुपये का है। चलो गुड न्यूज, और कोई खुशखबरी? यस सर, सेल फोन भी कट गया है सर, उसका भी बिल आया है। वेरी गुड। ये देखिए सर, कुछ 1800 रुपये का। 1800 रुपये? इससे पहले कि तुम कोई और खुशखबरी दो, मुझे कुछ खाने के लिए मंगवा लो, मुझे भूख बहुत लग रही है।
सर वो उड़पी वाले का महीने भर का बिल भी बाकी है सर, 1000 रुपए। मतलब कुल मिला के कुछ 4900 रुपए चाहिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। सर वैसे एक खबर है मेरे पास, लेकिन पता नहीं आपके किसी काम आएगी या नहीं, इसलिए सोचूं कि आपको बताऊं कि नहीं बताऊं। नहीं नहीं बता दो, क्या खबर है, कोई और खुशखबरी? सर ये 7500 रुपए है केस का एडवांस। तुम मतलब समझ जाओ कि मैं तुमसे मतलब कितना ज्यादा गुस्सा हूँ, जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुमने ये सारे पैसे दिए क्यों नहीं? सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर अगर सर पूरा केस तो सुन लीजिए, अगर आप अगर एडवांस खर्च कर लेंगे तो लौटाएंगे कहाँ से? तो केस क्या है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सर मेरे वो दूर के अंकल है, नहीं मतलब अंकल पास के है लेकिन वो रहते दूर में अमेरिका में। वो अमेरिका वाले अंकल वो जो पीके गिर पड़ते हैं वो? नहीं नहीं सर वो दूर वाले लेकिन वो रहते पास में है। ये जो अंकल है ये शब्द बिहारी अस्थाना अंकल है। शब्द बिहारी अस्थाना अंकल? शब्द बिहारी अस्थाना, हाँ। यस सर, उनकी ना एक बेटी है मुझसे 2 साल बड़ी है सर, तो यही बॉम्बे में उसकी शादी हुई है सर, मेरी कजन है सर, वो उसकी थोड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, सो वो ना थोड़ी है थोड़ी ये, मतलब तुम्हारी कजन है? यस सर मेरी कजन है सर, वो क्या है ना कि लोगों से झूठी मूठी बातें बोलती रहती है और सुनाती रहती है सर, किसी ने रोक टोक की ना तो एकदम वाइल्ड सी हो जाती है सर, एक दो लोगों को मारने की कोशिश भी की थी उसने किचन नाइफ से सर। किचन नाइफ? यस सर। किटी केस क्या है? वो केस सर वो क्या है ना कि अंकल चाहते हैं कि घर की बातें घर में ही रहे, इसलिए आपसे मदद चाहते हैं आप जाके उसे कन्विंस करें कि उसकी प्रॉब्लम है सर और वो उसे इलाज कराना चाहिए, तो इसलिए एडवांस दिया है सर 7500। जी किटी, वैसे तुमने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी की बात की है ये पैसे ना खर्च करके। सर मैंने अंकल से बात की है सब। किटी ये केस मैं नहीं ले सकता हूँ, अपने अंकल से कहो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और उसका इलाज करवाएं तुम्हारी कजन का। सर प्लीज सर प्लीज एक बार सर एक बार उसे बात कर लीजिए ना सर, अगर आप एक बार बात कर लेंगे तो शायद उसका घर बच जाएगा सर, और वैसे भी उसका हस्बैंड सर इस बात का एडवांटेज ले रहा है, उसे छोड़ देना चाहता है। मेरे जो अंकल है सर वो हार्ट पेशेंट है, अगर मेरे अंकल को कुछ हो गया तो मेरी कजन कहाँ जाएगी? तुम ये रोना बंद करो किटी प्लीज, और ये किटी रोना बंद करो, और ये पहुंचो, वो कहाँ है रुमाल, कहाँ है तुम्हारा? सर आपकी कोट की जेब में। तुम्हारा रुमाल मेरे कोट की जेब में क्यों होगा, यहाँ पे तो मेरा रुमाल है सर, तुम्हारा अच्छा तुम्हारा वो तौलिया ये तुमने अपना तौलिया ये मेरी कोट की जेब में क्यों रखा हुआ था? सर बिल्स क्लियर कर दो। अब नहीं मैं ये केस तो ले नहीं सकता हूँ किटी। अच्छा ओके प्लीज ओके 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 कंट्रोल किटी ओके ओके ठीक है, मैं वो तुम्हारी जो वो कजन है उससे मैं वो एक बार जाके मिल लेता हूँ और देखता हूँ कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और रो मत, कंट्रोल करो आपको। एड्रेस अभी लाती हूँ। चार कैमरा फिट कर दिए, ये पांचवा कहाँ लगाना? पांचवा मैं फिट कर दूंगा। आप फिट करेंगे सर? क्यों मैं फिट नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते। और सुनो आधे घंटे का लंच ब्रेक है, फटाफट लंच करके आओ, और किसी ने भी देरी की ना तो वापस नहीं आएगा, समझ गए? कितना घंटा? आधा। अंजू 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 तू टीवी पे आ रही है, थैंक यू गॉड, इतने सालों का सपना अब जाके पूरा हुआ, मैं टीवी पे, मेरे घर में 5 कैमरा सेटअप, मेकअप तो ठीक है ना, लिपस्टिक। सॉरी अब लग रही है फिल्म की हीरोइन, परफेक्ट। घंटी बजी है, मैं दरवाजा खोलने जाऊं? जस्ट वेट, अरे उसका पति आ गया, रिकॉर्डिंग का टाइम हो गया, क्या करें? अरे यार डिमेलो सर पता नहीं कहां गए, उनसे बिना पूछे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ना तो जान खा जाएंगे। तू एक काम कर, ऑफिस फोन कर, निशा से बात कर, होल्ड ऑन। पहले कहते तैयार हो जाओ, खुद ही तैयार नहीं है। निशा
रोशन। हाँ बोलो। डिमेलो सर का पता नहीं कहाँ गए। अरे उसका पति आ गया, रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, क्या करें? तुम रिकॉर्डिंग शुरू करो, उस बेवकूफ का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए बोला है। हाँ दरवाजा खोल दीजिए, आने दो। ओके थैंक यू। परफेक्ट, एकदम फिल्म की हीरोइन। और एंट्री भी ऐसे ही करना लाइक अ हीरोइन। आ गए आप। अरे कितनी देर दरवाजा खोलने में, कब से बेल बजा रहा हूँ। लेकिन मैंने तो अभी अभी सुनी। पति की बेल है ना, देर से सुनाई देती है। और टीवी चल रहा होगा तो उसकी आवाज के सामने मेरी आवाज कहाँ से सुनाई देगी तुम्हें। अरे बाबा टीवी तो बंद है। लेकिन आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने के मूड में हूँ। क्या आज से टीवी देखना बंद करने वाली हो? नहीं बाबा, उससे भी बड़ा सरप्राइज। केबल कटवा रही हो क्या? नहीं, लेकिन तुम बिगड़ना नहीं है। डार्लिंग मेरे घर में सिर्फ दो ही चीजें बिगड़ी हैं, एक टीवी और दूसरी बीवी। मैं कभी नहीं बिगड़ता, मेरा रिएक्शन हमेशा सेम रहता है। देखो नो मजाक, आई एम सीरियस। इवन आई एम सीरियस। लेकिन अंजू तुम शब्दों की पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। हाँ लेकिन तुम गुस्सा मत होना, सिर्फ 23 मिनट तक। 23 मिनट तक मतलब ये भी कोई टीवी का एपिसोड है क्या? आई होप बीच में ब्रेक तो है। वो राजेश मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। अंजू तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था? हाँ। अरे तो मेरी भी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, नॉट अ बिग डील, डोंट वरी। राजेश तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ओके ओके अब 23 मिनट के लिए तुम बोलो, मैं चुप रहूंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो, लेकिन गुस्सा मत होना। ओफो, अब अगर तुमने बात नहीं बताई ना तो गुस्सा हो जाऊंगा। अब बोलो भी, मुझे भूख लगी है यार। वो अब राजेश जिस हॉस्टल में मैं पढ़ती थी ना वहां मुझे एक लड़के से घंटी। लगता है वो आ गए। घंटी जी आप चाकू, ये 16 नंबर यही है। 16 नंबर? 16 नंबर ये लेके शो। ओह माय गॉड, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे I'm sorry, मैं आपका नाम भूल गई क्या? जी नाम तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। नहीं नहीं, नहीं डिमेलो ने मुझे बताया था। डिमेलो? कबीर, कबीर है ना? Oh my God, अरे कबीर तुम बाहर क्यों हो? अंदर आओ। My God, you look so different. जी वो actually छाते के साथ आदमी थोड़ा कार्टून सा तो लगता है। नहीं आप छाता ही रख दीजिए ना, स्टैंड है। आइए आइए आइए, कम आओ कबीर। अब कबीर तुम कितना बदल गए हो। अंजू उसी एक्चुअली राजेश जो बात मैं तुम्हें बताने वाली थी, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, है ना कबीर? जी हो सकता है कि मैं वो अब क्या कहते हैं उसको, आपकी कहानी में एक इंपॉर्टेंट किरदार हूँ, लेकिन बहरहाल कहानी तो आप ही बताएंगी। अब कबीर कॉलेज में तुम कितने हैंडसम और यंग थे। अच्छा नहीं हो सकता है कि मैं नहीं हो सकता है कि मैं बहुत ही हैंडसम रहा हूँ। ही इज योर कॉलेज फ्रेंड? नो नहीं, लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि कॉलेज के दिनों में आप कॉलेज के दिनों में शिमला की छुट्टियाँ, वहाँ मॉल रोड पे कॉलेज बंक करके आना, नीम के पेड़ के नीचे तुम्हारे हाथ देखने की दुकान याद है? जी वो मतलब नीम के पेड़ के नीचे वहाँ मेरी हाथ देखने की दुकान थी। ऑफ कोर्स, और लड़कियों का इंतजार करते करते कबीर इतने हैंडसम और डायनामिक लगते थे। कहाँ फंसा दिया किटी ने भाई साहब? एग्जैक्टली, किटी इन्हें फंसाना चाहती थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अपना हाथ दिखा के मैं तुम्हें फंसाना चाहती थी। शट अप, भारी आदमी के सामने क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं राजेश ये भारी नहीं है, इनफैक्ट मिस्टर भारी ने तो मुझे मना किया था, लेकिन जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मुझे समझ में आ गया कि ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या पावर थी इनके हाथों में। अब लेकिन कभी शादी के बाद तुमने हाथ देखना क्यों छोड़ दिया? I know, कितना मना किया फिर भी हमेशा नीम के पेड़ के नीचे आ ही जाते थे, है ना? इसका मतलब है तुम शादी के बाद भी इससे मिलती थी अंजू? Of course, पहली बार मेरा हाथ इन्होंने ही तो थामा था।
देखो वो बात अलग है, हर ज्योतिषी ऐसा करता है क्यों? लेकिन हाथ थामने के बाद फिर इन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं, ऐसा हर ज्योतिषी नहीं करता राजेश। देखिए आप यकीन मानिए मेरी बात का, मैंने ना कभी इनका हाथ पकड़ा ना छोड़ा। मेरी तो याददाश्त चली गई है। तो भाई साहब आपको यहाँ का एड्रेस कैसे याद है? यहाँ का एड्रेस कैसे याद है? वो एक्चुअली आप दोनों को देख के एड्रेस कंफर्म हो गया था। लेकिन तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई कैसे? हुई कैसे? वो नीम के पेड़ के नीचे मेरी वो हाथ देखने की दुकान होती थी ना, तो मेरे सर पे एक नारियल गिरा और मेमोरी लॉस हो गया। भाई साहब नीम के पेड़ से नारियल कैसे गिर सकता है? नीम के पेड़ से नारियल कैसे गिर सकता? सवाल मैंने पूछा। सवाल इन्होंने पूछा। अरे हाँ नहीं, वो क्या है कि वो नीम के पेड़ के नीचे मेरी वो दुकान थी हाथ देखने की, तो एक नारियल वाला बहुत से नारियल लेके वो नीम के पेड़ के ऊपर दातुन तोड़ने के लिए चला गया, तो वहाँ से एक नारियल उसके सर पे गिरा, उसके नहीं मतलब उसके हाथ से गिरा और मेरे सर पे गिरा, तो मेरा वो मेमोरी लॉस हो गया। तो अब मुझे बस उतनी बातें याद रहती हैं जितनी की ज़रूरत की होती हैं। वैसे आप जो जो कहानी बता रही थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ लेकिन डिमेलो ने मुझे तुम्हारे इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था। देखिए प्रॉब्लम का क्या है, प्रॉब्लम तो हर एक को होती है लाइफ में, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे ये डिमेलो कौन है? अरे यार डिमेलो कैसे आदमी को भेजा है, इसके दिमाग में तो भेजा ही नहीं है यार, ये तो रॉन्ग कास्टिंग लग रही है। अरे यार ये डिमेलो सर कहाँ है यार? डिमेलो कबीर, डिमेलो शिमला के चर्च के प्रीस्ट जिन्होंने हम दोनों की शादी करवाई थी। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? अंजु ये क्या मजाक है? क्या नाम क्या है आपका? राजेश। मिस्टर राजेश जरा इधर आइए जी। देखिए बात यह कि आपकी वाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत कभी भी वाइल्ड हो सकती है, उनके हाथ में चाकू है, सो प्लीज ट्राई एंड बिहेव नॉर्मली। शाम मुझे अभी भी पता चल रहा है कि मेरी वाइफ की पहले शादी हो चुकी है, मैं उसके पहले हस्बैंड के सामने खड़ा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ? देखिए दुनिया में लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, आप जरा सा नॉर्मल बिहेव कर लीजिए, अदरवाइज शी कैन किल यू। शट अप अंजु, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा दूसरा पति है। नहीं दूसरा नहीं, मैं तो पहला पति हूँ, आप दूसरे पति हैं जी। और वैसे आप जो कुछ अभी सुना रही थी वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी बात सारी समझ में आने लगी थी। क्या समझ में आने लगी? कब से मैं ही बके जा रही हूँ, ना तुम कुछ बोल रहे हो ना पार्टिसिपेट कर रहे हो स्टोरी में। स्टोरी मतलब हस्बैंड वाइफ की स्टोरी, हस्बैंड वाइफ की स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो अब तो आप एक्टिव पार्टनर हैं उनके, मैं एक जमाने में हुआ करता था जी। थैंक यू राजेश, मैं यही तुमसे बताने वाली थी कि ये जो है ये कबीर मेरे पहले पति आज मुझे मिलने आ रहे हैं। ये आपको पहले से पता था? डिमेलो ने बताया था ना। लेकिन डिमेलो को कैसे पहले से पता चला है कि आज ये आने वाले हैं? जी आप अपने पति की बात का जवाब दीजिए। राजेश प्लीज तुम ये सब मत सोचो, इतना याद रखो कि मेरे दो पति हैं, ये पहले हैं तुम दूसरे हो, लेकिन प्लीज गुस्सा मत होना, कंट्रोल फॉर 23 मिनट्स, कंट्रोल। गुस्सा नहीं कर रहा हूं डार्लिंग, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। आई एम प्लीज टू मीट यू। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं, वो मेमोरी लॉस की वजह से वो नारियल गिर गया था ना सर के ऊपर। प्लीज टू मीट यू हमेशा यार, फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी व्हाट द फैक्ट्स आर। अब यही राजेश कि ये जो है कबीर मेरे पहले पति हैं, शिमला के चर्च में हम दोनों की शादी हुई थी, वो इनके मुताबिक वो डिमेलो ने करवाई थी। झूठ है, आई डोंट बिलीव दिस। अरे भाई साहब टीवी की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है, और मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूं, तुम्हारा तो मेमोरी लॉस हो चुका है, जानता हूं यार मैं। I think you need a break. Anju, you need a break. एक सैनिटोरियम वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हम वहाँ जाके रहेंगे, वहीं पे तुम्हारा अच्छे से इलाज होगा, बिना टीवी के रहेंगे शांति से। I think that will make a difference to you. जी मैं बिल्कुल इसी तरह का सजेशन आपको देने वाला था कि आप इनको किसी ठंडी जगह पे ले जाइए और वहाँ पे ठंडे दिमाग से इनका इलाज करवाइए। क्या बोल रहे हो तुम? डिमेलो ये क्या आदमी है यार, what is this? I'm going to kill you. I'm telling I'll kill you. मारने के लिए डिमेलो मिलना भी तो चाहिए। My God. मुझे तुम दोनों पे तरस आ रहा है, तुम दोनों को इलाज की जरूरत है। तुम नहीं मानते ना? ओके, मेरे पास सबूत है, आई हैव प्रूफ कि मेरी इनसे शादी हुई है। आई बी बैक, जस्ट वेट। मतलब इनके पास वो सबूत भी है? अब यार चुप रहो। तुम यहाँ चुपके बैठे हो? यार किस बकवास एक्टर को लेके आए हो, उसे कुछ नहीं पता, ना ही स्टोरी ना ही डायलॉग। सलीम डिमेलो तो कबर्ड में, कैसे मैनेज किया मैं जानती हूँ, चलो लाओ आप सबूत दो, दिखाना है मुझे। अरे यार ये तो मरा हुआ है यार। अरे रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो।
What? क्या बात क्या है वहाँ उस अलमारी में जो कुछ भी आपने देखा उसके बाद आपकी आवाज ही बदल गई और आपका बिहेवियर What happened? Excuse me. Excuse me. देखिए मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया देखिए मिस्टर कबीर दिस इज आवर प्रॉब्लम आप जाइए यहां से प्लीज देखिए पहली बात तो यह है कि मेरा नाम कबीर नहीं है मेरा नाम करमचंद है करमचंद मतलब द फेमस डिटेक्टिव अब फेमस हूं या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हां मैं डिटेक्टिव जरूर हूं इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप ये सारा सिलसिला मुझे समझा दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं वैसे ये डेड बॉडी है किसकी ये डिमेलो है डिमेलो मुझे एक फोन करना पड़ेगा किसे पुलिस को आप हमसे पहले यहाँ पहुँच गए मैं तो खान साहब गलती से यहाँ पहुँच गया सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैंने तो आपको 162 कहा था आप 16 में कैसे पहुँच गए किटी तुमने मुझे 16 नंबर बंदा करा 16 एनीवे तो गलती से खान साहब मैं किटी की गलती की वजह से मैं इस घर के अंदर आ गया और यहाँ पे शायद एक रियलिटी शो चल रहा था जिसमें ये अंजू जी हिस्सा ले रही थी और जो कुछ मेरी समझ में आया अभी तक उससे ऐसा लगता है कि शायद इनको अपने पति के सामने किसी और को अपना पति बनाने का नाटक करना था और ठीक उसी वक्त मैं यहाँ पे आ गया मेरी जगह पे शायद किसी दूसरे एक्टर को आना था वो एक्टर अभी तक पहुँच नहीं सका है ना जी अंजू जी आदमी कौन है और इसकी डेथ कैसे हुई ये डिमेलो है ये रियलिटी शो का प्रोड्यूसर उसने मेरे घर पे 5 कैमरा भी सेटअप किए हैं यहीं कहीं मैं वो शादी का फेक सर्टिफिकेट लेने अलमारी खोलने गई तो वहाँ पे ये बॉडी थी देखिए मैंने कुछ नहीं किया मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ ज्यादा तो इनकी टीम कहाँ है गैराज में है श्रीवास्तव सर पहला नाम निशा का है ये निशा कौन है जी डिमेलो ने मुझे बताया था निशा शो की क्रिएटिव हेड है थैंक यू वेरी मच हेलो ये निशा जी बोल रही हैं जी मैं निशा बोल रही हूँ जी मैं करमचंद बोल रहा हूँ आपके रियलिटी बाइट की शो की लोकेशन से जी वहाँ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है जी मुझे एहसास है इस बात का लेकिन आप ये मिस्टर डिमेलो के बारे में कुछ जानती हैं हमें बता सकती हैं वैसे वो कुछ सनकी सा कैरेक्टर था शॉर्ट टेम्पर्ड बल्कि उसे हम खुद ही निकालने की सोच रहे थे जी ठीक है आप उनके किसी फैमिली मेंबर को या उनके किसी दोस्त के बारे में जानती हैं नो सर उससे हमारा एकदम प्रोफेशनल लेवल का ही रिश्ता था थैंक यू निशा जी हो सके तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएं प्लीज यस सर मैं आने की कोशिश करती हूँ थैंक यू अगला नंबर केसी का है सर ये तो आपका नंबर है दिंकड़ी मेरे पास तो मोबाइल है नहीं केसी अगला नंबर राजू सीबी राजू सीबी हेलो हाँ कौन कौन बोल रहा है जी कहाँ से बोल रहे हैं आप हेलो हेलो काट दिया हाँ साहब आप इनके फोन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको चेक करा लीजिए और उनकी डिटेल्स हमारे तक पहुंचा दीजिए प्लीज हेलो जी मेरा नाम कबीर चंद है आई एम एन एक्टर
एक्चुअली मिस्टर डिमेलो ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, वो कोई अंजू जी यहाँ पर रहती है ना, उनके साथ हस्बैंड होने की एक्टिंग करनी थी, सॉरी आई एम लेट। इट्स ओके। ये तुम मिस्टर डिमेलो हैं, क्या हुआ? नाम क्या तुम्हारा? जी जी मेरा नाम कबीर चंद है, एक्टिंग करता हूँ मैं। वो मिस्टर डिमेलो ने मुझे यहाँ 1:30 बजे बुलाया था। कबीर चंद कैसी 1:30 बजे, लेकिन अभी तो 3 बज रहे हैं। जी वो टाउन में बारिश हो रही थी, देर हो गई। वैसे आप मिस्टर डिमेलो को कब से जानते हैं? 6 महीने से। कैसे जानते हैं? बताया ना मैंने, एक्टिंग करता हूँ तो वो काम के सिलसिले, काम मांगने के लिए मैं उनसे मिलता था तो। ठीक है आइए, तशरीफ रखिए यहाँ पे, कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, टाइम तो लग सकता है। छाता रख। हाँ रख दीजिए। सर ये लोग आ गए। सलीम और रोशन, तुम लोगों ने आखिरी बार डिमेलो को जिंदा कब देखा था? जी करीब 1 बजे, जब हम सब डिमेलो के कहने पर लंच के लिए बाहर गए थे, वो यही थे। 1 बजे। अंजू जी आप? जी 1 बजे से पहले इन्होंने घर में सारे कैमरा फिट कर लिए थे। फिर डिमेलो ने मुझे कहा कि जाके रेडी हो जाओ, तो मैं ऊपर तैयार होने गई, तभी एक फ़ोन की घंटी बजी थी। मैं फ़ोन उठाने नीचे आई, तब तक घंटी बंद हो चुकी थी, तो मैं वापस ऊपर चली गई। तैयार हो ही रही थी कि घर की डोरबेल बजी। मैंने इन्हें फ़ोन करके पूछा कि अगर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हो तो जाके मैं दरवाज़ा खोलूँ। हेलो, हाँ वो घंटी बजी है, मैं दरवाज़ा खोलने जाऊँ? फिर जब दरवाज़ा खोला तो राजेश था, लेकिन मुझे डिमेलो जी कहीं नहीं दिखे। नहीं राजेश थे। राजेश साहब आप कितने बजे घर लौटे? करीबन 1:30 बजे। सर वो तो रिकॉर्डेड है और हमने चैनल फोन करके रिकॉर्ड करने की बात भी की थी। ये वहाँ आपने वहाँ नशा से बात की होगी? यस सर। आई डोंट बिलीव दिस, मैंने अब्रॉड जाने का चांस खो दिया। आई थिंक तीसरी या चौथी बार अंजू जी। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? हमारे चैनल ने अंजू जी को 3 बार विनर चुना था और उसके जज मिस्टर डिमेलो थे। 3 बार जीती थी या 3 बार जिताया गया था? जिताया गया था मतलब? मतलब खान साहब इस तरह के कॉम्पिटिशन में एक ही इंसान का 3 बार लगातार जीत जाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। वैसे पहले वाले कॉम्पिटिशन में कितने लोग थे? आई थिंक अराउंड 1.5 लाख। दूसरे वाले में? शायद 2 लाख से ज्यादा। और तीसरा वाला? गेस हु, वो तो बहुत ही फेमस कंपटीशन है। हाँ उसमें तो कम से कम 20-22 लाख लोग हिस्सा लेते हैं। साहब आपको कैसे पता है? वो मैं, मेरी बीवी हिस्सा लेती है। जी ऑफ कोर्स आपकी बीवी हिस्सा लेती हैं। तो साहब अंजू जी का 3 इस तरह के कॉम्पिटिशन जीत जाना एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। वैसे आप डिमेलो साहब को इससे पहले कितनी बार मिल चुकी हैं? एक बार भी नहीं, आज पहली बार वो घर आए थे। इनफैक्ट हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी। जब मैं पहला कंपटीशन जीती थी तब मुझे गोवा का 3 nights 4 days का पैकेज ऑफर किया था अपने हस्बैंड के साथ। और वो दूसरी बार साउथ इंडिया का पैकेज? हाँ दूसरी बार साउथ इंडिया का, और जब तीसरी कॉम्पिटिशन जीती थी तो नेपाल का पैकेज ऑफर किया था। तीनों बार में से आप कितनी बार जा सके? जी हाय, इतना बड़ा मौका मिस कर दिया आपने। नहीं वो मेरे हस्बैंड राजेश को ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिली तो बैड लक। जी हाँ अब वहाँ पे से हमारा बैड लक ही कह सकते हैं। नहीं जी नहीं, आपका बैड लक नहीं बल्कि प्लानिंग करने वाले का बैड लक। मतलब ये राजेश साहब के 3 बार आपको घर से बाहर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन 3 बार जब आप नहीं जा सके बाहर तो डिमेलो साहब बजाते खुद आपके घर पे तशरीफ ले आए। आई एम सॉरी मैं कुछ समझी नहीं। ये समझने की तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जो जी। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? कीमती मतलब गहने? टीवी, हाँ गहने, फ्रिज, बस कैश है। गहने, फ्रिज, कैश नहीं, ये तो ऐसी चीजें जो आम लोगों के घरों में होती हैं। कोई ऐसी खास चीज? आई डोंट थिंक सो। ये कैमरास कहाँ कहाँ लगाए गए थे? जी डाइनिंग टेबल के पीछे, एक खिड़की के पर्दे के पास, और सर एक टीवी के साइड में, और एक ये सोफा के पास टेबल के नीचे लो एंगल, और सर एक कैमरा के बारे में मालूम नहीं, वो डिमेलो साहब ने खुद लगाया था जब हम लंच पर बाहर गए हुए थे। डिमेलो साहब ने खुद लगाया था? ऐसे एक कैमरा यहाँ डाइनिंग टेबल पर लगाया गया, एक वहाँ टीवी के पास, और एक वो टेबल के नीचे लो एंगल, और एक पर्दे के पीछे।
ये सारे एंगल तो कवर हो गए, अब पांचवा कैमरा कहाँ हो सकता है? यहाँ होना चाहिए और यहाँ पे है भी। Oh, yes. साहब जी, पांचवा कैमरा यहाँ पे है लेकिन गो के इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। किड़े शायद मर्डर वेपन है। ये स्क्रू ड्राइवर तो हमारे टूल बॉक्स का है सर। जब हम लंच पर गए थे 1 बजे तो ये डिमेलो साहब के पास ही था। डिमेलो साहब के पास था? यस सर। लेकिन इसके पास में मुझे ये एक स्क्रू भी मिला था सर, मतलब स्क्रू खोलने की कोशिश की जा रही थी स्क्रू ड्राइवर के साथ। किस चीज में स्क्रू हो सकता है यहाँ? शायद इस पेंटिंग में। इसको पकड़ो। करेक्ट। हाँ सर, ये देखिए 3 स्क्रूज हैं लेकिन 1 स्क्रू मिसिंग है। पेंटिंग को खोलने की कोशिश क्यों की जा रही थी? मिस्टर राजेश, ये पेंटिंग आपने कहाँ से खरीदी थी और कब खरीदी थी? ये हमने खरीदी थी चोर बाजार से कुछ 2000 रुपये में। 2000 रुपये में? और कोई खास बात इस पेंटिंग के साथ जुड़ी हुई? कोई खास बात तो नहीं, लेकिन हाँ, पेंटिंग खरीदने के 2-3 दिनों बाद दुकानदार का फोन आया था। वो कह रहा था कि कोई साहब इस पेंटिंग को 20-25 हज़ार में खरीदना चाहते हैं। ऐसे 2000 की पेंटिंग 20-25 हज़ार में खरीदना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने बेची क्यों नहीं? दरअसल इस पेंटिंग के साथ मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। ये पेंटिंग मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर अंजू को गिफ्ट दी थी। हाउ स्वीट। ऐसे कब होती है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी? 5th मई। खान साहब, किसी हार्ट एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। जी इमीडिएटली बुलाता हूँ। सर, इस पेंटिंग की कीमत 500 रुपये से तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये बात और है कि इसका जो फ्रेम है ये करीब 10 या 12 हज़ार का हुआ। जी, लेकिन जहाँ तक ये ख्याल पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है। जी हाँ, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, उसकी डुप्लीकेट है। आई सी। ओरिजिनल पेंटिंग तो दिल्ली से करीब 6 महीने पहले चोरी हो गई थी। उसकी कीमत तो बहुत ही सर, अराउंड 4-5 करोड़ रुपये। आपको पक्का यकीन है कि 6 महीने पहले दिल्ली से चोरी हुई थी? जी हाँ सर, 100% श्योर। थैंक यू, आप जा सकते हैं। सर, सर ये राजू है सर। सलाम सर। वही चोर बाजार वाला जिसकी दुकान से इन्होंने ये पेंटिंग खरीदी थी सर। तो सर ये टेलीफोन का रिकॉर्ड सर। आपको मालूम है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? नहीं साहब, बोला कोई ज़रूरी काम है, चलना ज़रूरी है। जी, आप इनको पहचानते हैं? ये तो साहब वही हैं जिन्होंने हमारी दुकान से एक पेंटिंग खरीदी थी, और वही पेंटिंग एक साहब को भी पसंद थी। जी, किसे? नाम तो पता नहीं साहब, लेकिन वो हमारी दुकान पर सामान बहुत लाते थे, मैं बेचता था, उसमें से वो अपना कमीशन लेते थे। जी, वही पेंटिंग है ये? करेक्ट साहब, ये तो वही पेंटिंग है जो उन साहब को चाहिए थी, और इसके लिए मैंने इनको एक बार फोन भी किया था। जी, उन साहब का कोई नाम या पता? पहचान सकता हूँ साहब। पहचान सकते हैं? जी आइए। हाँ साहब, ये साहब ये, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि यही वो इंसान है जो आपसे पेंटिंग्स खरीदते थे या खरीदना चाहते थे। हाँ साहब, इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया था और कहा था कि अगर पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता चले तो इनको फ़ोन करूँ साहब। फ़ोन नंबर? हाँ साहब, फ़ोन नंबर ये सर। यहाँ का एड्रेस आप ही ने दिया था इनको? जी साहब। जी ठीक। हेलो। हाँ। अरे चिल्लाओ मत, आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ, थोड़ी आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। सॉरी सर, वो मेरी वाइफ का फोन था, वो जानना चाह रही थी कि मैं कितनी देर में घर। जी, पक्का उन्हीं का फोन था? जी बिल्कुल, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप घर जा सकते हैं। थैंक यू। राजू साहब, आप भी जा सकते हैं। जी साहब। हाँ साहब, ये पेपर्स देख सकता हूँ मैं जरा?
फोन का पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सबसे ज्यादा कॉमन नंबर यही है। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं भी जा सकता हूँ, कुछ जरूरी काम था सर। हाँ मुझे लगता है खान साहब इनको जाने देना चाहिए, अब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सर। श्रीवास्तव पकड़ लो इसको। क्या क्या कर रहे हैं लोग? लेकिन यू आर डूइंग रॉन्ग, मैं आप सब लोगों को देख लूंगा। जी हुजूर आप जरूर हमें देख लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ी सी कुछ चीज़ देखना चाहते हैं। वैसे तो पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपने छाते के बजाय आपने ये छाता वहाँ से क्यों उठाया? गलती हो गई आपकी खास साहब। अगर इनकी इनके छाते में से ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं निकलती है तो वाकई इन्होंने गलती से उठाया ये छाता, लेकिन अगर इस छाते के अंदर वो ओरिजिनल पेंटिंग है तो मुजरिम यही है। प्लीज़ चेक करें। जनाब यू आर अंडर अरेस्ट। जनाब यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब जाहिर है कि आप जानना चाहते होंगे कि मेरा शक किसी इंसान पर क्यों गया। दरअसल अगर आपने ख्याल किया हो तो आर्ट एक्सपर्ट ने हम लोगों को बताया कि 6 महीने पहले दिल्ली से एक पेंटिंग चोरी हुई थी जिसकी कीमत तकरीबन कुछ 4-5 करोड़ रुपए थी। जी तो मेरे अंदाजे के हिसाब से वो पेंटिंग शायद डिमेलो के हाथ लग गई, लेकिन डिमेलो को उसकी कीमत नहीं मालूम थी, उसने आगे राजू को दे दी और राजू ने वो पेंटिंग राजेश साहब को बेच दी। डिमेलो को उसकी कीमत पता चली तो उसने राजेश साहब से वो पेंटिंग वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन राजेश साहब ने मना कर दिया, इनके इमोशनल रीजंस थे उसकी वजह से। फिर उसने प्लान किया कि कैसे वो इस पेंटिंग को वापस हासिल कर सकता है, मतलब ओरिजिनल पेंटिंग को। तो फिर सिलसिला शुरू हुआ अंजू जी के अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन जीतने का। 3 बार उसने इनको जिताया, मकसद ये था कि ये घर से बाहर चले जाएं और वो यहाँ आकर के ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ से चुरा ले और उसकी जगह पर डुप्लीकेट पेंटिंग लगा दें। लेकिन 3 बार जब वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर 4 बार सिलसिला चला रियलिटी बाइट्स का, जिसके तहत आज हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। प्लान ये था कि 1 और 1:30 बजे के बीच वो सब लोगों से कहेगा कि लंच ब्रेक के लिए चले जाइए, और जब सब लोग लंच ब्रेक के लिए चले गए होंगे और अंजू जी को ऊपर भेज दिया उसने तैयार होने के लिए, उस वक्त वो ओरिजिनल पेंटिंग निकाल लेगा और आर्टिफिशियल मतलब डुप्लीकेट पेंटिंग उसकी जगह पे लगा करके असली पेंटिंग को वो छाते के अंदर छुपा देगा और छाता लेके बाहर निकल जाएगा यहाँ से। मतलब आपको याद होगा कि वो राजू चोर बाजार वाला जो था उसने एक कार्ड मुझे दिया था, उस कार्ड के ऊपर एक नाम तो डिमेलो का था लेकिन दूसरा एक और नाम भी था जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद डिमेलो का कोई पार्टनर भी है। दूसरा नाम केसी का था, केसी मतलब कबीर चंद। उस नंबर पर जब मैंने फ़ोन घुमाया किटी से फ़ोन लेने के बाद तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, मैंने 2 बार वो फ़ोन घुमाया, शायद फ़ोन वाइब्रेटर पे था और ये कबीर चंद साहब अगर आपने गौर किया हो तो बार बार अपनी जेब पे हाथ डाल रहे थे उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए। प्लान तो इनका था 1 और 1:30 बजे के बीच, लेकिन कबीर साहब के अंदर कुछ लालच पैदा हो गया, वो हिस्सा नहीं चाहते थे, तो 1 और 1:30 बजे के बीच वो यहाँ पर आए जबकि सब लोग लंच ब्रेक पर जा चुके थे। उस वक्त मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि शायद डिमेलो साहब वो 4th स्क्रू लगा रहे थे पेंटिंग को बदलने के बाद। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ थोड़ा सा, एक्चुअली प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। माय फ्रेंड मैं धंधे में पार्टनर नहीं चाहता, आई एम सॉरी। क्या बकवास करते हो कबीर? जब इन्होंने उनसे ये स्क्रू ड्राइवर छीना और उनका कत्ल किया, उनकी बॉडी को अलमारी के अंदर दफन किया, ड्राइवर वहाँ फेंका, छाता उठा नहीं जा रहे थे। आपको याद होगा अंजू जी ने हमें बताया था कि जब ये ऊपर तैयार हो रही थी तो एक टेलीफोन आया था जिसको सुनने के लिए नीचे आई, उनके नीचे आने की आवाज़ सुनकर ये कबीर चंद साहब यहाँ से भाग लिए और छाता वहाँ पर छोड़ दिया। फिर ठीक 3 बजे वापस लौटे ये सोच के कि छाता तब्दील कर देंगे। शक मुझे इन पर तभी हो गया था जब छाता रखने की जो जगह है जो यहाँ दरवाजे के पास में है जहाँ पर मैंने छाता रखा था, वहाँ छाता ना रखने की बजाय ये सीधे उस जगह पर चले गए जहाँ पर डिमेलो का छाता था। अगर ये आज से पहले इस घर के अंदर नहीं आए हैं तो इनको कैसे पता कि एक और जगह है जहाँ पे कि छाता रखा जा सकता है। बस यही सारी बातें थी जिनको तरतीब से सजाने के बाद मेरी समझ में ये आ गया कि दरअसल कातिल और चोर कबीर चंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।